नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। वृंदावन में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाडले कन्हैया के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री वृंदावन धाम आ रहे हैं। तो वहीं सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जन्माष्टमी पर उमड़ने वाली भीड़ और मुख्यमंत्री के आगमन, इन दोनों चुनौतियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भी खास तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी को लेकर हमारे पास दो चैलेंजेस हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जो यहाँ TFC और अन्नपूर्णा भोजनालय में जो कि दिन में है, और फिर जन्माष्टमी का पूरे दिन मनाया जाएगा। तो उसको लेकर ट्रैफिक को कुछ हमने डाइवर्जन दिए हैं, जिसका मीडिया के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं वो लोग मैक्सिमम मंडी समिति तक और दारू पार्किंग तक या सौसैया तक आ पाएंगे, जिससे आगे उनको ई रिक्शा या पैदल चलना होगा। खबर संभल के चौधरी सराय क्षेत्र से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलित किशोर की हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने DM कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, साथ ही अपराधी पर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजाद होने के बाद भी आज दलितों के साथ जितने बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। जालौर में हुई घटना के हत्यारों को फांसी की मांग करेंगे। आज जो जा रहे हैं राजस्थान में जो घटना हुई है 9 अगस्त के लिए, जो इंद्र कुमार नेपाल जो लड़का था जो अपनी कक्षा घटों पढ़ता था, और वहाँ एक उस लड़के ने जरा सा मतलब मटके से हाथ के लगा दिया पानी पीने के लिए, और वहाँ के अध्यापक ने उसने इतना मारा कि उसकी जो है मतलब जो है मौत हो गई इसकी। इसलिए आज हम महामहिम के लिए जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति ज्ञापन देने जा रहे हैं और परिवार को न्याय दिलाएंगे। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, लेकिन नहीं लगता इन बातों को देख के दलितों के और कमजोरों के अल्पसंख्यकों के साथ जो ये घटनाएँ हो रही हैं ये बहुत निंदनीय है। राजस्थान की घटना ने पूरे देश के लोगों का दिल हिला दिया है। जिस तरीके से एक अध्यापक ने मटका छूने के ऊपर इतनी बेदर्दी से मारा और उस बच्चे की मौत हो गई, हम ये चाहेंगे कि ऐसे आदमियों को हम मांग करेंगे कि फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे दोषियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां नगर पालिका परिषद की चेयरमैन की वित्तीय और प्रशासनिक पावर सीज होने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि सभासदों की शिकायतों को संज्ञान में लेकर शासन ने उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज कर दी थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने शासन के आदेशों को स्थगित कर दिया है। हमारा पावर सीज का मामला जो कि चल रहा था आप लोगों के संज्ञान में, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बस दो शब्द बोलूँगी। असत्य पे सत्य की जीत हुई है, बाबा भोलेनाथ ने सत्य का साथ दिया है। आगे की विधिक जानकारी मेरे विधिक सलाहकार मेरे पति देंगे। बॉडी शॉपिंग का सीधा सा फंडा है, नियम है कि जिस विभाग में भेजा रहा उसकी सहमति आवश्यक होती है। कोर्ट ने अपने 22 फरवरी के निर्णय में ही कहा है कि बिना आप पूर्व सहमत के पालिका में या स्थानीय में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि पालिका एक ऑटोनॉमस बॉडी है और आप बिना सहमत के नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद 8 जजमेंट हुए हैं जिसमें, और उसमें कोर्ट ने कहा ना या तो शासन उनको पैसा देगा सैलरी या तो जल निगम देगी। अमेठी में धर्म परिवर्तन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। ऐसा ही मामला अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटारी गांव से सामने आया है, जहां पर आज सुबह एक घर में धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा था। तभी कुछ ग्रामीण वहां पर पहुंचे और पूछताछ करने लगे, जिसके बाद धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने विरोध करने वाले युवक सिंपल सिंह पर हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद सिंपल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई, के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुष्ट आत्मा को जैसे मतलब किसी के अंदर भूत है और किसी के अंदर जैसे रसूलिया कैंसर ट्यूमर के मतलब दुआ होती है, प्रार्थना होती है, उस
परमेश्वर सब उसको आशीष करते हैं, ठीक हो जाते हैं ऐसे जी। अभी के अभी आए थे, उनके घर गए, हमारे पास फोन गया कि भैया यहाँ कटारी में मीटिंग चल रही दीदी और जो सब लोग। कैसे मीटिंग थी? यही समस्या वाली मीटिंग। अच्छा, कुछ लोग घर परिवर्तन करा रहे थे हमारे गांव में, तो हम वहां पे भीड़ लगी थी, हम भी वहां पे गए, तो वहां पे कुछ औरतें और लोग भी थे जो रॉड से हमारे ऊपर हमला कर दिए। हम वहां खड़े थे और ये लोग हमला कर दिए हमारे ऊपर। खबर मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा से है, जहां धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप में 3 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं केस दर्ज होने ही तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना पाक बड़ा पर एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक कोई यूट्यूब चैनल राउंड टू हेल, उसके द्वारा कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें एक संप्रदाय विशेष के लोगों की भावनाएं उससे आहत होने की बात सामने आई थी। इसमें जांच की गई और पाया गया कि इस तरह का एक मामला है, इसमें FIR थाना पाकवाड़ा पर पंजीकृत हुई है। और जो ये यूट्यूब चैनल है, इसका चलाने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम वसीम बताया गया, उसको अभी बुलाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जो थाना खबर लखीमपुर के राजापुर मंडी से है, जहां किसानों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जेल में बंद किसानों को रिहा करने और चीनी मिल का बकाया भुगतान को लेकर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आई, साथ ही DM और SP समेत भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में देश भर के करीब 23 किसान संगठनों के लाखों लोग पहुंच सकते हैं। अजय मिश्रा सैनी बर्खास्त की गिरफ्तारी, MSP गारंटी कानून किसान के साथ में जो मुकदमे किसानों का करा है वापस बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे छोटा जाए किसान मुकदमे खत्म करा जाए। गन्ना भुगतान बिजली देश की सबसे महंगी बिजली ये सारे राजधानी लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ED ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गाजीपुर, मऊ समेत लखनऊ को मिलाकर कुल 12 टीमों ने एक ही टाइम पर छापेमारी की। वहीं मुख्तार के भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी समेत मुख्तार अंसारी के करीबी ट्रैवलर्स और ज्वेलर्स के घर में भी ED ने छापेमारी की। बता दें कि लखनऊ के डालीबाग के मस्जिद वाली गली में कई अपार्टमेंट में ED ने तड़के सुबह 6 बजे से छापेमारी की। इसके अलावा मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते सभी जगह पर CRPF की कई टुकड़ियों को भी तैनात किया। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार गाज गिरनी शुरू हो गई है। लखनऊ, गाजीपुर, दिल्ली और मऊ जैसे तमाम ठिकानों पर उनके करीबियों पर ED और CRPF ने छापा मारा। ED ने एक टुकड़ी CRPF के साथ मिली और आपको बता दूं कि ED ने तकरीबन 12 टीमों के साथ यहां पर सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं लखनऊ के डालीबाग स्थित यहां पर अफजाल अंसारी समेत मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनके आवास हैं, और यहां पर गाजीपुर में 3 करीबी व्यापारियों का भी वहाँ भी छापेमारी हुई। दिल्ली और लखनऊ में भी कुछ ठिकानों पर ED की टीमें मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दूँ कि ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर और ट्रेवलर्स के यहाँ भी छापेमारी लगातार मारी जा रही है। ED की टीम ने गाजीपुर के मिस्र बाजार, टाउन हॉल के सराय गली, रोज़ा और मोहम्मदाबाद में भी छापेमारी की। मिस्र बाजार में ज्वेलर्स के साथ ही तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर ED लगातार छापेमारी कर रही है। यहां पर सुबह से तकरीबन 6 बजे से CRPF की टुकड़ी और ED की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। आपको एक वक्त दिखा दूँ कि यहाँ पर लगातार जो अपार्टमेंट्स हैं, ये अफजाल अंसारी बसपा के जो सांसद हैं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उनका आवाज भी है, और यहाँ पर 3-4 अपार्टमेंट में लगातार ED छापेमारी कर रही है। ये CRPF की टुकड़ी है जो कि सुबह से 6 बजे से ही मौजूद है, क्योंकि ED का मान और CRPF की जो टुकड़ी है वो उनका साफ साफ मानना है कि जो व्यक्ति अंदर है वो अंदर ही रहेगा और जो बाहर है वो बाहर रहेगा। किसी व्यक्ति को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। ED का मामला इससे पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी और तमाम जो उसके करीबी हैं उनसे पूछताछ
हो चुकी है। यहाँ पर हम मौजूद हैं लखनऊ के डालीबाग स्थित अपार्टमेंट में। यहाँ पर अपार्टमेंट है, 3-4 अपार्टमेंट में लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है और ईडी की टीमें लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो मुख्तार अंसारी हैं यूपी के बाहुबली, उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है, कई बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, उनके परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है, उनके करीबियों से पूछताछ कर चुकी है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस बार जो ईडी की छापेमारी हुई है सुबह तकरीबन 6 बजे लखनऊ, दिल्ली, मऊ, गाजीपुर में क्या कुछ नया निकल कर आता है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर कानपुर से है, जहां वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि वेतन को लेकर संविदा कर्मचारी पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सरकारी कामों में बाधा हो रही थी। पुलिस के काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस से अभद्रता कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। ₹1,00,000 लिया गया भर्ती के लिए और फिर कह रहे हैं और जो हम लोगों की पेमेंट है वो कह रहे हैं कैश में लो, कोई पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगी और हम लोगों किलोमीटर आधा खा रहे हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेके हड़ताल पर बैठे हुए थे नियम से सर, ना कोई किसी चीज़ों का विरोध कर रहे थे, ना तोड़ फोड़ कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे सर। बस यहाँ पर जब गाड़ियाँ बाहर निकलने लगी हम लोग किसी का विरोध कर रहे थे सामने आके बैठे सर। इन्होंने लाठीचार्ज किया व मारपीट की, कोई भी महिला पुलिस होने के बावजूद इन्होंने हम लोगों के ऊपर पैर रखा। देखिए, चकेरी थाना क्षेत्र में जो ई बस जो सर्विसेज है वहाँ पर उसका डिपो है, तो वहाँ के जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर कल भी उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, आज भी उसमें कुछ लोग आ गए थे अपनी बातों को रखने के लिए, तो वो अपने स्टेशन पर ही कर रहे थे अपना धरना प्रदर्शन। चूँकि कुछ बसें आज निकलनी थी जरूरी किसी कार्यक्रम में, तो आज भी वो इस चीज़ को लेके थोड़ा अपना वो जो रोष था वो व्यक्त कर रहे थे, तो उनको हटाया गया, समझाया गया और बसें वहाँ से सकुशल जो है निकाली गई हैं। और इन लोगों को बताया भी कि अपनी जो सारी बातें हैं, जो आपकी जो मांगे हैं उनको उच्चाधिकारियों को बताइए, जो भी यहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाएगा, तो इनकी सारी चीज़ों को जो है विधिवत निस्तारित किया जाएगा। आज भी सारी जो बसें थी वो सारी सकुशल निकल चुकी हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां राजस्थान की जनपद जालौर में रहने वाले इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी, परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए जिले में सैकड़ों दलित लोगों ने जुलूस निकाला, साथ ही उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। गोंडा के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम मौजपुर की गौशाला में गायों की देखरेख के लिए व्यवस्था न होने से गायों का हाल बेहाल है। वहीं इस गौशाला में गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें सूखा चारा खाना पड़ रहा है। साथ ही गौशाला के कर्मचारी ने बताया कि यहां पर कई अधिकारी आए और गए, आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। मैजापुर गौशाला, क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ सब सुविधा है। क्या? अरे पानी है, मोटर है, गोसा है, चारा है और क्या। कितनी गाय रहती है यहाँ पे? 95। क्या खिलाते, कैसे करते रहे देखभाल? अरे दाना भूसी और दिन जाता है और का दिन जाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैजापुर के गौशाला केंद्र पर। कल पूरे विश्व में श्री कृष्ण का जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और सूत्रों के हवाले पता चलता है कि श्री कृष्ण अवतार लिए थे गाय की रक्षा करने के लिए। इस वक्त इसीलिए मैं इसका हकीकत जानने के लिए मैजापुर गौशाला में खड़ा हूँ। यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी तस्वीरों में कि यहाँ पे देख लीजिए गाय के खाने की क्या व्यवस्थाएँ हैं और पानी पीने के लिए कैसे कैसे व्यवस्थाएँ। यहाँ पर आप देख लीजिए केवल गाय या भैंस, गाय केवल सूखा भूसा खा रही है, पानी पीने के लिए जिनका बनाया गया है इसमें आप देख सकते हैं ना एक बूंद पानी है ना कुछ है। अब इसी को पता चलता है कि यहाँ मैजापुर गौशाला में कितना भी सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन यहाँ पर मैजापुर गौशाला में कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। और बाकी आप पीने के लिए व्यवस्था, और बाकी जब यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो बताया कि यहाँ के मोटर खराब है और बाकी जितने गाय को रस्सी बंधा उन्हीं की गाय को पानी पिलाएगा और बाकी जितने गाय हैं उसको मैं तालाब में पानी पिलाएगा। यहाँ पे कार्यकर्ता एक लोग दादा इनसे पूछेंगे कि यहाँ की क्या दादा आपका क्या नाम है, आप यहाँ गौशाला में क्या करते हैं? गोबर बहाओ, चारा डालो, यहाँ पे गाय के पीने के लिए व्यवस्थाएं कैसे हैं और बाकी यहाँ आपने बताया कि भी
मोटर खराब है और बाकी कैसे पानी पिलाए हैं यहाँ पे गायों को? हाथ से भर के। यहाँ पे कितने गाय हैं? यहाँ 95 गाय हैं। 95 गाय को आप हाथ से पानी पिलाए हैं? वो ताल है सामने, देखिए। जी जी, हाथ से जिसके डोरी लगी उनको तो हाथ से भर के पिला दिया, और जो नहीं पाया है उसको ले गए ताल में पिला लाए। और यहाँ पे आपने बताया मोटर खराब है, कब से मोटर खराब है? कल शाम से। अभी बन के आया? अभी नहीं आया, लाने गया वो आदमी गया है, अभी पाया होगा तो लाया। लाइट व्यवस्था और पानी कैसे क्या किया जाता, पानी कैसे लाते हैं? पानी से मोटर नहीं, आपने बताया ट्यूबवेल या कुछ नहीं लगाया, तब आप कैसे झेलते हैं? नल हमारे पास है। यहाँ कितने कार्यकर्ता हैं? यहाँ 4 हैं। आप तो यहाँ पे अकेले दिख रहे हैं, और 3 कहाँ हैं? देखो मौजूद है। गोंडा से प्राइम टीवी अनिल कुमार गोस्वामी। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां थाने में खड़ी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई। दरअसल 2 महीने पहले पुलिस ने फर्जी SDM लिखी गाड़ी पकड़ी थी, जिसके रिलीज होने के बाद वाहन का मालिक गाड़ी लेने आया था, जिसमें उसे गाड़ी की बैटरी ही नहीं मिली। मेरी बैटरी 2 महीने से गाड़ी खड़ी है, अब आए गाड़ी लेने, रिलीज हो गई, बैटरी गायब। कब पकड़ी गई थी गाड़ी आपकी? 16 जून को, तो 17 को चालान हुआ था, फर्जी तरीके से फंसा दिया था। तो अभी बैटरी नहीं आपकी गाड़ी? नहीं, बैटरी नहीं। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के चतरखा गांव में 2 पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते ईटा पत्थर चल गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं निरीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र हरपालपुर में एक गाँव है, बन रही चतरखा, यहाँ पे 2 पक्ष शिव कुमार शुक्ला और दूसरा पक्ष है राजेंद्र सिंह, उनके विवाद हुआ है और आपस में दोनों ने ईंट पत्थर चलाए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हैं, और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई के सूरजपुर के पाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक मुस्लिम युवती ने एक युवक पर मुसलमान बनकर शादी करने का आरोप लगाया, साथ ही दवा खिलाकर गर्भपात कराने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। एक युवती आज प्रस्तुत हुई है, इनका ये कहना है कि नोएडा में एक कंपनी में काम करने के दौरान वहीं पे एक दूसरे समुदाय का युवक, वो भी वहीं काम करता था, उससे इसका संबंध हो गया और इसके बाद उसने इनको छोड़ दिया है। इस मामले में जांच कराई जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।